एक्ट्रेस समांथा रुत प्रभु अपने निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में है। जब से समांथा और नागा चैतन्य का तलाक हुआ है, तब से उनकी निजी जिंदगी को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, जिस वजह से एक्ट्रेस ने लीगल एक्शन ले लिया है। दरअसल हुआ यूं कि कुछ यूट्यूब चैनल्स और मीडिया रिपोर्ट्स में अदाकारा को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई थी और काफी ज्यादा उनको लेकर अफवाहें फैलाई जा रही थी। इन्हीं सब कारणों से बताया जा रहा है कि समांथा ने लीगल एक्शन ले लिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समांथा ने तेलुगु पॉपुलर टीवी और कुछ अन्य यूट्यूब चैनल्स को लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें सुमन टीवी भी शामिल है। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल एनएन बॉलीवुड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर ले। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आपको बता दें कि इन सब YouTube चैनल्स पर आरोप है कि इन्होंने समांथा की छवि को खराब करने के लिए भ्रामक और आपत्तिजनक खबरें चलाई थी। यही कारण था जिससे अदाकारा ने एक वकील पर भी लीगल एक्शन लिया है। समांथा ने जिसे लीगल नोटिस भी भेजा है, उसका नाम वेंकट राव है। कहा जा रहा था कि वेंकट राव ने समांथा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर कुछ फर्जी दावे किए थे। इसके साथ ही यह भी कहा था कि अदाकारा का कई लोगों के साथ अफेयर था। इन सब बातों से एक्ट्रेस काफी परेशान हो गई थी, शायद तभी उन्होंने यह कदम उठाया है। बता दें कि साउथ एक्ट्रेस समांथा की जिंदगी में इस समय काफी उथल पुथल चल रही है। वो इस समय अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में है और वजह तो सभी को साफ पता है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। एक्ट्रेस का उनके पति नागा चैतन्य संग तलाक हो चुका है, जिसे सुनने के बाद उनके फैंस के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि दोनों ने साथ मिलकर अपनी राहें अलग करने का फैसला लिया है, लेकिन इन सब से हटकर बात करें तो साउथ फेम अपने फैंस के लिए एक गुड न्यूज लेकर आई है, जिसे सुनकर सभी काफी खुश होने वाले हैं। अदाकारा ने अपने प्रोफेशनल लाइफ पर वर्क करना शुरू कर दिया है और जल्द ही वो अपनी नई फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट करेंगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।